morning students, I am Noor Sayed, your maths teacher. This is video number 4. In the last video, we have discussed about place value, face value and expanded notation. Now today we will learn comparing and ordering the numbers. Means हम number को कैसे compare करते हैं, ठीक है? So number comparing आपने previous class पे भी पढ़ी थी, जिसमें आप numbers shorter number और bigger number, smaller number और bigger number को compare करते थे, ठीक है? Just like that, but अब बड़ी class में आ गए हैं, तो उसके कुछ rules हैं. So सबसे पहला हम सबसे first rule के बारे में बात करते हैं. That is our first rule जो है कि अगर कोई भी number आपको given है, जैसे suppose यहाँ पर आपको एक 5 digit का number है और एक 4 digit का number है, तो जो भी number आपको given है उसमें number of digits आपको सबसे पहले देखनी है, ठीक है? ये 5 digit का number है and ये 4 digit का number है. So it is very understood by seeing कि ये 5 digit का number है, that means ये bigger number है, क्योंकि इसमें number of digits क्या है, ज़्यादा है, मतलब इसमें digits क्या है, more है. देखिए कैसे, that is 1, 2, 3, 4 and 5, and here is 1, 2, 3 and 4. So this is the 4 number digit and this is the 5 number digit. Okay, now so this number is bigger. Okay, now second हम इसी rule को follow करते हुए second example लेते हैं. Second example में आपको यहाँ पे 4 numbers दिख रहे हैं, that is 84, 56,951, 745, 8,951. Okay, now इन सब number को आपको इसमें से greatest और smallest number find out करना है. So वैसे हम सबसे first rule को follow करते हैं कि इसमें हम सबसे पहले कौन सा digit जो है उसपे कम number दिए हैं, ताकि हम हमारा smallest number निकाल सकें. So, देखते ही आपको दिख जाता है कि 84 जो है वो 2 digit का number है. Means 84 यहाँ पर सबसे smallest number है. Now we'll find the greatest number. So, greatest number के लिए इसी के just near में, इतने यहाँ पे 5 digit का number है. That is 5 digit, that is 56,951. Means सबसे greatest number क्या है मेरे पास? That is 56,951. So, by using this rule, first rule, आप numbers को compare कर सकते हैं. और सेकेंड कंडीशन ये होती है कि अगर कोई भी गिवन नंबर है, उस गिवन नंबर में दोनों डिजिट्स में इक्वल नंबर है, तो नंबर को कैसे कंपेयर किया जाए, ठीक है? सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. यहाँ पर दोनों एग्जांपल में 5 डिजिट नंबर्स दिए हुए हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5. नंबर इज 56,978 एंड सेकेंड नंबर इज 67,814, ठीक है? तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी प्लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे, मतलब जो सबसे पहला नंबर दिया है उसको कंपेयर करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले में क्या नंबर दिया है, दैट इज 5 एंड हियर इज 6. ओके, मींस 10,000 की प्लेस पर यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 10,000 की प्लेस पर 6 है. सो दिस नंबर इज बिगर. सो बिगर नंबर कौन सा है, दैट इज 67,814. ओके, नाउ सेकेंड सिनेरियो ये आता है कि अगर स्टार्टिंग के दोनों नंबर इक्वल हो, तब जैसे कि मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में लिया है, यहाँ पर 85,618 दिया है एंड नेक्स्ट नंबर जो दिया है वो दिया है 85,918. ओके, सो हम उसकी भी प्लेस वैल्यू कंपेयर करते हैं. यहाँ पर 10,000 की प्लेस पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, सेम है. लेट्स मूव थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. 1,000 की प्लेस पर 5 है, सेम 1,000 की प्लेस पर यहाँ पर भी 5 है. नाउ हम 100 की प्लेस की साइड पर मूव करते हैं. 100 की प्लेस पर यहाँ पे क्या है, दैट इज 6. यहाँ पर 100 की प्लेस पर क्या दिया हुआ है, 9. ओके, नाउ अब इन प्लेस वैल्यू को हम देखते हैं. यहाँ पे 900 है और यहाँ पे 600 है, सो विच वन इज बिगर, ऑब्वियसली 9. सो इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल बिगर नंबर क्या हो गया, दैट इज 85,918. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द नंबर्स. इन द समटाइम्स इन एग्जाम्स में भी आता है कि आपको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मीन्स लीस्ट टू ग्रेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लीस्ट टू ग्रेटेस्ट आपको अरेंज करना है नंबर को, या ग्रेटेस्ट टू लीस्ट अरेंज करना है. तो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, लीस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा एंड ग्रेटेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा. मतलब नंबर को पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर. That means आपको नंबर को असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है. ओके, इसी का उल्टा लेते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट टू लीस्ट. ग्रेटेस्ट टू लीस्ट मीन्स
पहले सबसे बिगर नंबर, देन उससे स्मॉलर, देन उससे स्मॉलर एंड देन सबसे स्मॉलर. मीन्स आपको नंबर को डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है. हम यही तो करते हैं, असेंडिंग लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग लिखते हैं तो मीन्स बड़े से छोटा. सो सेम क्वेश्चंस को बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टू लीस्ट. हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं. सो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. I'm going to write 5 to 6 numbers. ठीक है, that is 5569, 514, 1,13,900 and 8,000. Okay. अब आपको इस नंबर को लीस्ट टू ग्रेटेस्ट में लिखना है. That means आपको इनको असेंडिंग फॉर्म में लिखना है. ठीक है, सबसे पहला वाला रूल हम फॉलो करते हैं कि हम सबसे पहले कितने गिवन नंबर्स दिए हैं, मतलब कितने किसी भी डिजिट जो भी नंबर दिए हुए उसमें कितने गिवन नंबर्स हैं. यहाँ पर हमें सबसे पहले पहले ही नजदीक गया कि यहाँ पर 569 है, मीन्स ये थ्री डिजिट नंबर है. आपको इन पूरे नंबर्स में कहीं भी थ्री डिजिट नंबर दिख रहा है? नहीं. सो दैट मीन्स असेंडिंग फॉर्म लिख रहे हैं, इसीलिए सबसे छोटा नंबर ले रहे हैं. सो हमारे पास सबसे स्मॉलर नंबर है, दैट इज 569. एंड नाउ अब हम इसके बाद हम देखेंगे कि कहीं पे फोर डिजिट नंबर है. यस, वी हैव फोर डिजिट नंबर, दैट इज 8,000. ओके, नाउ इसके बाद थ्री डिजिट हो गया, फोर डिजिट हो गया. नाउ अब इसके बाद और कहीं पे फोर डिजिट नंबर है? नहीं. सो अब हम फाइव डिजिट नंबर की तरफ मूव करेंगे. फाइव डिजिट नंबर, हियर इज सिक्स डिजिट नंबर एंड हियर इज अ फाइव डिजिट नंबर. सो हम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट मीन्स बड़े से छोटे की साइड पर जा रहे हैं. सो इससे बिगर नंबर क्या हो गया मेरे पास, दैट इज 73,540. नाउ सिक्स सिक्स डिजिट का नंबर बचा है, दैट इज 1,13,900. सो आप इसको इजीली जो है वो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, इन दिस फॉर्म कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया. सेम थिंग इज दैट एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको इक्वल नंबर्स ऑफ नंबर्स में जो है वो इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स दिए गए, जैसे 56,915, 84,880. ओके, ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में जितने भी नंबर्स हैं उन सब में फाइव नंबर्स डिजिट दिए हुए, मतलब ये सब फाइव नंबर डिजिट प्रेजेंट है. ओके, अब इसे कैसे कंपेयर करें? तो एज यूजुअल जैसे मैंने बोला है कि हमें अगर लीस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है तो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर या आपको सबसे बड़ा नंबर चाहिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए भी, तो आपको प्लेस वैल्यू ही कंपेयर करनी है, मतलब उनके सबसे पहले फर्स्ट नंबर्स देखते हैं. यहाँ पर मैं इन दोनों नंबर का कंपेरिजन कर रही हूँ कि यहाँ पर जो नंबर है उसकी सबसे पहले पोजिशन पे 5 लिखा हुआ है 10,000 की पोजिशन पर, और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है. ठीक है, नाउ यहाँ पर 9 है एंड इन दिस नंबर 9 इज ऑल्सो देयर. ओके, सो 9 8 से बिगर है तो हमने इन दोनों को तो छोड़ ही दिया. नाउ हम इन दोनों की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, तो स्मॉलर कौन सा हुआ? दैट इज 5, बिकॉज हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, इसीलिए हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए. एंड सबसे छोटा नंबर क्या है इन among the all the numbers, that is 56,915. Now इससे bigger number चाहिए. Again, अब ये number तो हमारा complete हो चुका है, so just cut with the help of pencil, not pen. Okay? Now, अब हम इन तीनों numbers को compare करेंगे. Again, हमने इन सब की first place देखी. यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 9 है, and then 9. Okay? So again, smaller तो यही है. So we are going to write it down that number. That is 84,880. Now, next number की तरफ move करते हैं. यहाँ पर अब ये दो number ही बचे हुए हैं, ठीक है, that is 99,990 and 99,540. Means दोनों की 10th की 10,000 की place पे 99 present है, ठीक है. आगे का number देखते हैं, यहाँ पे भी 9 है and here is also 9. No problem. हम next number compare करते हैं, 100 की place को compare करते हैं. यहाँ पर 100 की place पे 9 है एंड यहाँ पर 100 की प्लेस पे 5 है. सो विच नंबर इज बिगर? ऑब्वियसली दिस नंबर इज बिगर,
बट हम असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं जिसमें हमें पहले स्मॉलर चाहिए और लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आता है. सो हम पहले ये नंबर लिखेंगे, दैट इज 99,540 एंड देन आएगा 99,990. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल अबाउट द असेंडिंग ऑर्डर. नाउ अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. सो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी हम सेम एग्जाम्पल यूज करेंगे. मैं यहाँ पर 5-digit नंबर्स ही ले रही हूँ जिसमें आपको मैं इजी एक्सप्लेन कर दूंगी कि हाउ विल यू गोना राइट टू डाउन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर. 56,918, ओके, 95,617, ओके. नाउ नेक्स्ट नंबर वी आर गोइंग टू टेक इट डाउन, दैट इज 77,580, ओके. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल 45,980. ओके, ना ये सब 5-digit नंबर्स हैं. ओके, इसमें हमें सबसे पहले हम लिख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स हमें सबसे पहले सबसे बिगर नंबर चाहिए. ओके, नाउ अगेन वही रूल है कि हमें इन सब की प्लेस वैल्यूज कंपेयर करनी, मतलब सबसे पहले सबसे फर्स्ट नंबर देखना है क्योंकि ये सब 10,000 की पोजिशन पर प्रेजेंट है, ये सब 5-digit नंबर है. ओके, सो पहला यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले नंबर में यहाँ पे 5 है, here is 9, here is 7 and here is 4. Okay, so सबसे bigger number कौन सा हुआ, that is 9. So number is 95,617. हम descending order लिख रहे हैं इसलिए हमें सबसे पहले सबसे greatest number चाहिए. So the number is 95,617. Now इससे smaller number हमें चाहिए, तो 9 से छोटा number कौन सा है, that is 7. So next example, that is 77,580. Now 7 से smaller number 5. Okay, so now we're going to take that is 56,918. And now ये तीनों numbers हमारे complete हो चुके हैं, last में सिर्फ एक ही number बचा है, that is 45,880. So now students, we have completed our comparing and ordering the numbers. Okay students, in the next video we will complete our next portion. Till then, goodbye. 12 minutes.